Guys, my name is Shizuya Vasanik and I am presenting on the topic Image Tampering Analysis. Image Tampering क्या होता है? Image Tampering एक digital art है जिसमें हम image properties और good visual creativity के understanding होनी चाहिए. इसका use या तो fun के लिए या incredible photos create करने के लिए या false evidence produce करने के लिए किया जाता है. ये चार तरीके से हो सकती है: image retouching, image splicing, copy move attack या morphing की मदद से की जा सकती है. फिर इमेज रीटचिंग क्या होता है? इमेज रीटचिंग जो है वो लेस हार्मफुल इमेज टैम्परिंग है. इसमें या तो एनहेंस करते हैं या रिड्यूस करते हैं किसी की भी फेशियल फीचर्स को ताकि वो फोटोज अट्रैक्टिव लगे या वाइस वर्सा. जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1.1 में ओरिजिनल पिक्चर है और हमने उसमें रीटचिंग की है जो कि हम फिगर 1.2 में देख सकते हैं. फिर आता है इमेज स्लाइसिंग. इमेज स्लाइसिंग में इसमें दो इमेज को कंबाइन करके एक फेक इमेज बनाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेस इमेज लिया गया है इसमें हेलीकॉप्टर का और उसमें शार्क की इमेज ऐड कर दी गई है. तो जो हमारा रिजल्ट है उसमें शार्क और हेलीकॉप्टर एक ही इमेज में दिख रहे हैं. फिर आता है कॉपी मूव अटैक. कॉपी मूव अटैक सेम होता है इमेज स्लाइसिंग जैसा, बट इसमें सोर्स और जो डेस्टिनेशन है कॉपीड पार्ट का वो अलग अलग नहीं होता, वो एक ही जगह से लिया जा सकता है. जैसे कि आप हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डियर है इमेज 1.5 में, डियर जो है वो कोने वाले साइड में है. हमने उसको कॉपी किया है और इमेज 1.6 में उसको सेंटर में लाके पेस्ट कर दिया गया है और उसको थोड़ा सा रीटच कर दिया है हमने ताकि वो उसी इमेज का पार्ट लगे. फिर इमेज कॉपी मूव अटैक के बाद आता है मॉर्फिंग. मॉर्फिंग में ये एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसमें एक इमेज या शेप को चेंज करते हैं दूसरे में ताकि वो एक सीमलेस ट्रांजिशन जैसा लगे. आप देख सकते हैं फिगर 1.7 में ए और सी ओरिजिनल पिक्चर है. हमने ए 1.7 ए के फिगर में 1.7 सी का फीचर लगा दिया गया है जो कि हम बीच में देख सकते हैं एक फॉर्ज फिगर बन गया हुआ है जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है. फिर डिजिटल इमेज फॉर्जरी को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस लिए जाते हैं. वो होते हैं एक्टिव अप्रोचेस और पैसिव अप्रोचेस. एक्टिव अप्रोचेस क्या करता है? ये मेनली डिस्क्राइब करता है नेम, डेट, सिग्नेचर और एक्टिव अप्रोच के लिए स्पेशल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है जो डिजिटल इमेज की ऑथेंटिकेशन को बताता है. पैसिव अप्रोच ये एक फॉर्ज इमेज को आइडेंटिफाई करता है. इसमें ओरिजिनल इमेज वाटरमार्क का ज़रूरत नहीं होता है. इमेज में ट्रेसेस पाए जाते हैं उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉर्ज इमेज को. जिस लोकेशन से फॉर्जरी हुई है उसे भी पता कर सकते हैं इसमें. फिर हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया है इमेज ट्रांसफरिंग का फोटो फॉरेंसिक की मदद से. ये जो पांडा है वो एक ओरिजिनल पिक्चर है और उस पर हमने एक दूसरे पर्सन का फेस जो है मॉर्फ किया है. फिर हम इसको फोटो फॉरेंसिक की मदद से जब एनालाइज किए तो सबसे पहला पैरामीटर आया ELA. ELA क्या होता है? ELA अलाउ करता है उन एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनके डिफरेंट कंप्रेशन लेवल है. हाईलाइट करता है उन एरिया को जहाँ चेंज हुआ हो. और JPG इमेज में रफली दोनों सेम होता है. अगर इमेज का सेक्शन डिफरेंट एरर लेवल शो कर रहा है तो उसमें डिजिटल मॉडिफिकेशन हुआ है, ये कन्फर्म है. तो उसमें डिजिटल तो रीजन जिनको यूनिफॉर्म कलरिंग है जैसे सॉलिड ब्लू स्काई या फिर वाइट वॉल, उनका ELA हमेशा लो रहेगा. इसमें हमें क्या क्या दिखता है? एजेस हम देख सकते हैं. सिमिलर एजेस होंगे तो सिमिलर ब्राइटनेस ELA रिजल्ट मिलेगा हमें. जितने भी हाई कॉन्ट्रास्ट या लो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस रहेंगे वो सिमिलर ही दिखेंगे. ओरिजिनल फोटो में लो कॉन्ट्रास्ट एजेस है तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट एजेस के जितना ब्राइट होना चाहिए. टेक्सचर सिमिलर कलरिंग होनी चाहिए. जितनी सरफेस डिटेल होगी उतना ज़्यादा ELA रिजल्ट होगा, स्मूथ सरफेस से ज़्यादा रिजल्ट देगा. फिर सारी सरफेस फ्लैट होनी चाहिए, सेम कलर ELA के अंडर शो होना चाहिए. फिर
ELA के बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट में ये हमें हेल्प करता है इवैल्यूएट करने के लिए डेटा जो कि राइट या है या नहीं वो बताता है। ये इंश्योर करता है कि जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो फाइल सही है कि नहीं, कि इसमें कोई अल्ट्रेशन हुआ है। फिर डाइजेस्ट के बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट पैरामीटर है मेटा डाटा। मेटा डाटा हमें कोई भी फाइल में इंफॉर्मेशन रहती है वो मेटा प्रॉपर्टीज में शो करती है। अगर कोई भी पिक्चर है उसका करेक्ट डायमेंशन नहीं है या फाइल साइज डिफरेंट है तो उसका पता लग सकता है और ये वो पिक्चर नहीं है, हमें उससे ये जानकारी मिल जाती है। इसमें कलर चैनल्स के नंबर को भी ट्रैक किया जा सकता है, इनमें चेंजेस सेम फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं, डाटा अल्टर किया जा सकता है बिना नाम चेंज किए। कोई भी मेटा प्रॉपर्टीज यूनिक नहीं होती है। दो डिफरेंट पिक्चर्स के सेम डायमेंशन और फाइल साइज एक्सेट्रा हो सकते हैं क्योंकि चेंजेस फाइल के अंदर करते हैं, जैसे कमेंट को अल्टर करना या टाइम स्टैम्प को मॉडिफाई करना या बिना डायमेंशन या फाइल साइज को अल्टर किए। फिर हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो फाइल साइज है वो डिफरेंट है ओरिजिनल और ये टैम्पर्ड का। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है हमारी, वो है जेपीजी परसेंट। जेपीजी परसेंट एक कलर कॉम्बिनेशन है। प्रोमिनेंस इसके दो टाइप है। प्रोमिनेंस जो है हमें कलर नंबर ऑफ कलर शेड्स बताता है, प्रोमिनेंस जो है हमें नंबर ऑफ कलर्स बताता है। हम देख सकते हैं इसमें दोनों में अलग अलग प्रोमिनेंस और प्रोमिनेंस शो कर रहे हैं। फिर आता है आईसीसी प्लस। आईसीसी प्लस क्या होता है? इंटरनेशनल कलर कंसोर्टियम। ये एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें आईसीसी प्रोफाइल को सेट के सेट को यूज़ किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि कलर जो जैसा है वैसा ही डिस्प्ले हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।